नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव, मैं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश बेसिक से सिखाऊंगा, तो आज मेरा अगला वीडियो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पर है। अभी आपने सिंपल सेंटेंस के टाइप मेरे पिछले वीडियो में सीखे थे, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और इसके टाइप्स के बारे में कि क्या कुछ है जानते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, बहुत से साथी दोस्तों को भी ये कन्फ्यूजन होती है कि यार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या। तो आज आपकी ये कन्फ्यूजन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम दूर करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसकी एक खास बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कोई टाइप नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉज से मिलकर बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी टाइप्स नहीं होते, ये दो क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। अब क्लॉज क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लॉज क्या होती है। देखिए, लिखा हुआ है मैंने कि कई वाक्यों के एक समूह में, कई वाक्यों के एक समूह में प्रत्येक वाक्य उपवाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य उपवाक्य या क्लॉज कहलाता है। क्योंकि क्लॉज क्या होती है, बहुत सारे वाक्य होते हैं और वो वाक्य एक जगह पर लिखे होते हैं। जैसे आई एम हंग्री फुल स्टॉप, ही इज गुड फुल स्टॉप, ही वॉन्ट्स फूड फुल स्टॉप। इस तरह से तीन सेंटेंस एक ही लाइन में लिखे हुए हैं और जब हम इस सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो इसका जो प्रत्येक सेंटेंस है वो उपवाक्य कहलाता है। जब हम कंजक्शन से प्रत्येक सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो हर सेंटेंस यहां पर उपवाक्य कहलाता है। जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट फूड बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। आपने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है, क्या बोला, आई डू नॉट वॉन्ट फूड, आई डू नॉट टेक मील बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। आपने बोला मैं भोजन नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं भूखा नहीं हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर दो वाक्य, एक है आई डू नॉट वॉन्ट फूड और बिकॉज, दूसरा है आई एम नॉट हंग्री। तो यहां पर जो दो वाक्य हैं इसमें प्रत्येक वाक्य यानी पहला वाक्य जो है कंजक्शन से पहले वाला वो भी उपवाक्य है और कंजक्शन के बाद वाला वो भी उपवाक्य। और भी जानते हैं क्लॉज को अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है आई एम रिच बट माई फ्रेंड इज पुअर। यहां पर कितने वाक्य हैं, दो हैं। आई एम रिच, फिर बट से जुड़ा हुआ है माई फ्रेंड इज पुअर। तो आई एम रिच एक ये अलग क्लॉज है और माई फ्रेंड इज पुअर ये एक अलग क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज इन्हें क्लॉज कहते हैं, मतलब ये एक वाक्य का समूह है जिसमें दो वाक्य हैं और प्रत्येक खंड ही उपवाक्य है। आशा करते हैं आपको क्लॉज अच्छे से समझ में आई होगी कि इंग्लिश में क्लॉज क्या होती है। आइए जानते हैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के योग से बनते हैं, बनने वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के योग से बनने वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज होती है। एक क्लॉज तो मुख्य वाक्य उपवाक्य होगी यानी प्रिंसिपल उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी या उसकी अदर क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है।
यानी एक सेंटेंस मेन होगा जिसे सबसे पहले आप बोलेंगे और उसके बेस पर आप दूसरा और तीसरा सेंटेंस बोलेंगे। तो जो पहला सेंटेंस जो आप सबसे पहले बोल रहे हैं या यू आर कंपेल्ड टू स्पीक दैट सेंटेंस, आप मजबूर हैं उस सेंटेंस को बोलने के लिए, इन दैट केस द सेंटेंस इज रिगार्डेड एज व्हाट प्रिंसिपल क्लॉज, तब उस सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है इट इज सर्टेन दैट ही विल कम, यह निश्चित है कि वह आएगा। इट इज सर्टेन दैट ही विल कम, यह निश्चित है कि वह आएगा। और आप देखिए यह निश्चित है, दिए गए वाक्य में लिखा है यह निश्चित है, तो यह निश्चित है कि आप पहले बोलेंगे और फिर बोलेंगे कि वह आएगा। तो मुख्य उपवाक्य या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी हुई, यह निश्चित है, और इसके ऊपर डिपेंड कौन सी क्लॉज है कि वह आएगा, क्योंकि ये बाद में बोली जा रही है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस पर डिपेंड है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और जब इन दोनों क्लॉज का योग बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का जब योग हो जाता है, जुड़ जाती है दोनों क्लॉज, तो ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मेरे साथ बोलेंगे कि जहां दो या दो से अधिक क्लॉज हो, एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो और बाकी अन्य क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, वाक्यों के ऐसे समूह को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आशा करते हैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस लिखा हुआ है लिसन, एक सेंटेंस खत्म हो गया, लिसन व्हाट द टीचर इज सेइंग, तो ये कंजक्शन है देखिए, और द टीचर इज सेइंग ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लिसन प्रिंसिपल क्लॉज है, सुनो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं। तो आपने देखा कि यहां दो वाक्य, एक सुनो और एक जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं, तो जो कुछ एक कंजक्शन है, तो अध्यापक कह रहे हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और सुनो ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसे पहले बोलना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं, अध्यापक कह रहे हैं जो कुछ सुनो, तो ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, सुनो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं ये ज्यादा सही लग रहा है। इसी तरह इसमें भी हम पहले ऐसे नहीं बोल सकते थे वह आएगा कि यह निश्चित है, हम यही बोल सकते हैं यह निश्चित है कि वह आएगा। तो ऐसे वाक्यों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आशा करते हैं मेरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करिए अगर आपको ये पूरी चीजें क्लियर दिख रही हैं और क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके आप जरूर लिखें और हमें बताएं आपको कोई समस्या हो रही है, कोई भी चीज ऐसा टॉपिक जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे मेरे समझाने पर, तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरी क्लास का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, मेरा विजन है कि मैं आप लोगों को फ्री में इंग्लिश सिखा सकूं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी अपने मेरे चैनल पे जोड़िए, मैं आपको ग्रामर का कंप्लीट बेसिक वीडियो आराम से ग्रामर की एक एक छोटी छोटी चीज सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आशा करते हैं आपको एक वीडियो समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, कंपाउंड सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।